किसी भले परिवार के रहने के योग्य। क्यों? अगर होती तो अन्नप्राशन भला कोई कुंवर जगपाल का भूल जाता क्या? शांत हो जाइए सुच्चा जीजा। यदि कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन सब लोग भूल गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कैसे नहीं है बेना? यदि हमने कुंवर जगमाल को अब विधि विधान के साथ खिलाना आरंभ नहीं किया तो वे शक्तिशाली कैसे बनेंगे? ठीक है, अब जब तक कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन नहीं होता तब तक हम अन्न का एक दाना ग्रहण भी नहीं करेंगे। हम आपसे पूरी तरह से सहमत है सच्चा बेना। अब इस उत्सव में और देर नहीं होनी चाहिए। कुंवर प्रताप, आप इसी समय कुंवर जगमाल से क्षमा मांगिए क्योंकि इनके अन्नप्राशन में विलंब आपके कारण हुआ है। हमारे कारण कैसे अंजलि माँ? वो ऐसे कुंवर प्रताप कि आप तो हर समय अपना कोई ना कोई शौर्य दिखाते रहते हैं और सब आपके जय जयकार में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में सब यहाँ भूल जाते हैं कि इस महल में वह जगपाल भी रहते हैं जिनका अभी तक अन्नप्राशन नहीं हुआ है। हमने कुछ गलत कहा बेना? चलिए ठीक है, इन सभी बातों के लिए हम अपने छोटे भाई से क्षमा मांगते हैं। और हाँ, जब तक आप अन्न लेना आरंभ नहीं करते हम महल से बाहर तक नहीं जाएंगे। ये शुभ कार्य हम कल ही करेंगे। वो कैसे राणा जी? क्योंकि हमने कुंवर जगमाल के अन्नप्राशन की तैयारियां आरंभ करवा दी हैं। हम भूले नहीं थे धीरभाई जी। जयवंतभाई जी, आप इस संस्कार की तैयारियां अपनी देखरेख में ले लें। इतने महत्वपूर्ण संस्कार की तैयारियों की उत्कृष्टता आपके अतिरिक्त और कौन सुनिश्चित कर सकता है? जो हुकुम राणा जी। जैसे ही बैरम खान के संदर्भ में तुम्हें कोई भी सूचना प्राप्त हो तुरंत उसके जानकारी आकर हम तक पहुंचाना। जी हुकुम। राणा जी आप? खम्बा गाड़ी हुकुम। गाड़ी खम्बा। राणा जी, आपने क्यों आने का कष्ट किया? हमें बुलवा लिया होता। रावत जी, विशेष रूप से सब चीजें हमने आपके लिए बनवाई हैं। आज कुंवर जगमाल का अन्न पराशन है। हम चाहते हैं कि आप ये सब पहनकर उत्सव में आए और हमारे पुत्र को आशीर्वाद दें। राणा जी, हम अवश्य सम्मिलित होंगे उत्सव में, किंतु इस सब की क्या आवश्यकता थी? रावत जी, हमने सोचा कि इस सुअवसर पर आपको बता दें कि आप केवल मेवाड़ के लिए ही नहीं हमारे राज परिवार के लिए भी कितने महत्वपूर्ण हैं। राणा जी, आज आपने हमारा ये जो मान बढ़ाया है ना, स्नेह व्यक्त किया है हमारे प्रति, हम हृदय से उसका आभार व्यक्त करते हैं। चलिए रावत जी, अब यह बता दीजिए कि आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? चिंतित नहीं तो राणा जी, ऐसी कोई बात नहीं। छोड़िए रावत जी, हम आपके मुख पर चिंता के बादल देख सकते हैं, बताइए क्या बात है? राणा जी, जाने क्यों हमें बार बार ऐसा लग रहा है ये बैरम खान अपने अपमान को इतनी सरलता से नहीं भूलेगा, चुप नहीं बैठेगा वो। राणा जी, वो पलटवार अवश्य करेगा। काका, गाड़ी रोक दो। कृष्णा, कृष्णा, यहाँ क्यों रोकी गाड़ी? यहाँ से गांव तक क्या तुम अकेले चल के जाओगी? नहीं नहीं, हम गाड़ी से छोड़ेंगे तुम्हें। वरना दाई, बस इस पहाड़ी के पीछे ही तो है हमारा घर। हम चले जाएंगे, परंतु आपको सूर्यास्त से पहले सीमा पार करना है। आप हमारी चिंता ना करें, हम चले जाएंगे आराम से। कृष्णा, तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की हमने कभी नहीं देखी।
नहीं पन्ना राय, अगर पूरे राजपूताने में कोई साहसी महिला है तो केवल आप हैं। अपना ख्याल रखना। मेवाड़ के निकटवर्ती क्षेत्रों में हमने जो अपने गुप्तचर भेजे हैं बैरम खान के संदर्भ में सूचना एकत्रित करने के लिए, वो सभी गुप्तचर 2 दिनों में हम तक आ जाएंगे। बहुत अच्छे रावत जी, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई संकट आया तो हम समय रहते सचेत हो सकते हैं, आवश्यक तैयारियां कर सकते हैं। तो फिर चिंता किस बात की? किंतु राणा जी, रावत जी, हम चाहते हैं कि आज के दिन आप अपनी सभी चिंताएं भूल जाइए और हमारे साथ हमारे आनंद में सम्मिलित हो जाइए। आज कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन है, आइए। जी राणा जी। भगवान आपकी हर अनिष्ट से रक्षा करे। इतना ही आशीर्वाद देंगे जीजा, आज कुंवर जगमाल का अन्नप्राशन है, आज तो इन्हें महाराणा बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, हमें भी कुंवर जगमाल को दीजिए ना, हमें भी इनके साथ खेलना है। लीजिए। कुंवर प्रताप को तो देखिए जीजा, कुंवर जगमाल के लिए इनका प्रेम देखकर ऐसा लगता है कि इनके लिए ये अपना सर्वस्व भी त्याग सकते हैं, है ना जीजा? महारानी सा, अन्नप्राशन का मुहूर्त हो गया है, चलिए। मुगल सेना है, ये सब यहाँ राजपूताने में अवश्य ही यहाँ पे किसी युद्ध की योजना से आए हैं। हाँ, हम इनकी सूचना मेवाड़ पहुंचानी होगी। सर्वेभ्यः देवेभ्यः नमः स्वाहा। ओम श्री परमात्मने नमः स्वाहा। अब घर के सबसे वरिष्ठ सदस्य कुंवर जगमाल के मुंह में अन्न का पहला दाना खिलाएंगे। जगमाल की जय। कुंवर 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 जगमाल की जय।
जय। कुंवर जगमाल की जय। आयुष्मान हम प्रण करते हैं कि जब तक हमारे देह में प्राण हैं, हम अपने छोटे भाई की थाली कभी खाली नहीं होने देंगे। आओ जीराज प्रताप की जय। 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 आहा, गले में शाही खानदानी हार। जिस खास शख्सियत का ये हार है उससे बड़ा करीबी रिश्ता लगता है तुम्हारा। रुक जाओ, हाथ मत लगाना इस हार को। ठीक है ठीक है। अच्छा बताओ, तुम्हारा पसंदीदा शौक क्या है? मेवाड़ संदेश भेजना है ना? खास तौर से अपने करीबी दोस्त शहजादे प्रताप को। गलत तो नहीं कह रहे राम? सुभान अल्लाह। एक काम करते हैं, आज हम तुमसे वही काम करवाते हैं जिसे करके तुम्हें दिली सुकून मिलता है। शहजादे प्रताप को संदेश भिजवाते हैं, लेकिन इस बार हम संदेश कुछ अपने अंदाज में भिजवाएंगे, खास मुगलिया अंदाज में। कुंवर जगमाल, अपनी इच्छा अनुसार इन वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को छुएंगे और ऐसा वे तीन बार करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिस वस्तु को अधिक बार वे छुएंगे उसी से भविष्य में उनकी प्रवृत्ति के बारे में हमें संकेत मिल जाएगा। पुरोहित जी, हमारा तो इस संस्कार में पूर्ण विश्वास है। जयवंतभाई जी, याद है जब कुंवर प्रताप का अन्नप्राशन हुआ था, इन्होंने सबसे अधिक तलवार को छुआ था, और आज देखिए कैसे शूरवीर हैं हमारे कुंवर प्रताप। रानी मां, आपने अपने अन्नप्राशन के दिन क्या छुआ था? कुंवर प्रताप, आपकी रानी मां ने सबसे अधिक किसको छुआ होगा ये हम आपको बता सकते हैं। इन्होंने सबसे अधिक गीता को छुआ होगा, है ना? देखिए, तभी तो आपकी रानी मां का व्यक्तित्व इतना धार्मिक और आदर्शवादी है। अच्छा पुरोहित जी, गीता और तलवार का सार तो हम जान ही चुके हैं, परंतु इस ताले चाबी को छूने से क्या होता है? ताले चाबी को छूना ठीक नहीं माना जाता। कोई बच्चा यदि अपने अन्न प्राशन में बार बार ताला चाबी छूता है तो वो चोर प्रवृत्ति का हो जाता है, और बड़ा होकर वो दूसरों के अधिकार और दूसरों की वस्तुएं छीनने में ही लगा रहता है। परंतु यदि कुंवर जगमाल अन्न को छूते हैं तो वे इसके ठीक विपरीत दानी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। हमारी उत्सुकता तो बढ़ती जा रही है राणा जी, हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे कुंवर जगमाल किसे छूते हैं।
कुंवर जगमाल की जय। कुंवर जगमाल की जय। कुंवर जगमाल की जय। कुंवर जगमाल की जय। कुंवर जगमाल की कुंवर जगमाल। बस इसी खंजर को और दो बार छू लीजिए, जिससे निसंदेह ये सिद्ध हो जाए कि आप भी अपने बड़े भाई की तरह शूरवीर बनेंगे। चलिए छुइए। जगमाल, आपको खंजर छूना है, खंजर छूइए। हम आपसे विनती करते हैं कि आप खंजर छूइए। कौर जगमाल। धीर भाई जी शांत हो जाइए। छोटी माँ, आप क्यों चिंता कर रही है? कुंवर जगमाल हमारे भाई हैं, हम इनका ध्यान रखेंगे कि ये सदा धर्म के मार्ग पर चले। आप चिंता मत कीजिए। बस बस कुंवर प्रताप, आप तो रहने ही दीजिए। वैसे भी जब भी आपने कोई उत्तरदायित्व लिया है या कोई प्रण किया है, आप किसी न किसी बड़ी उलझन में उलझे हैं। उलझते हैं आप, पर प्राण हम तीनों माओ के निकलते हैं। खम्मा गाड़ी हुकुम। किसी ने बाऊजी राजप्रताप के नाम एक बड़ा सा उपहार भेजा है, बाहर बैलगाड़ी में रखा है। आसपास ना कोई गाड़ीवान दिख रहा है ना कोई दूत। बैलगाड़ी में एक बड़ा सा बक्सा है जिस पर प्रताप सिंह लिखा है। लगता है कुंवर प्रताप के प्रशंसक बढ़ते ही जा रहे हैं। कुंवर प्रताप, इसे नीचे उतार के देख। कृष्णा, 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 कृष्णा! ये लीजिए। अपने मुल्क
कुल पर अपनी मादर वतन को अपनी माँ मानते हो ना तुम प्रताप, और सुना है इस लड़की को अपनी बहन मानते थे। तुम्हारी बहन को तो हमने तुमसे छीन लिया, और अब तुम्हारी माँ को तुमसे छीनने आ रहे हैं हम, बैरम खान।